नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर सपा नेता व विधानसभा के भावी प्रत्याशियों द्वारा सपा के प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल का सिद्धार्थ नगर के आगमन पर जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सपा नेता राम कुमार उर्फ चिंकू यादव सहित सपा के कई दिग्गज नेताओं ने जिले के बॉर्डर पर फूल माला पहना कर किया जोरदार स्वागत। सपा के युजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल अहमद खान ने तिलौली चौराहे पर समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। सपा नेत्री विभा शुक्ला ने काजी रुदौली चौराहे पर जन समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। वहीं नगर पालिका बॉर्डर बासी में सपा महिला जिला अध्यक्ष चमन आरा रायनी एवं नगर पालिका परिषद बासी के चेयरमैन मोहम्मद इंद्रिस पटवारी द्वारा हजारों समर्थकों के साथ फूल मालाओं से भव्य रूप से सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद इसके मैरिज हॉल बासी में किसान नौजवान पटेल यात्रा बुद्ध धरा का आयोजन किया गया। संबोधन में सपा प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम द्वारा कहा गया कि मेरे जिंदगी में एक क्षण है, इस स्वागत समारोह को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस तरह से स्वागत समारोह में जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसान नौजवान पटेल यात्रा में आज जो सिद्धार्थ नगर की जन सैलाब उमड़ गई है, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि सिद्धार्थ नगर की पांच में पांचों सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी और प्रदेश में 351 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर अपने दम पर अकेला सरकार बनाए, जिसमें मौजूद समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी, के सचान, पूर्व राज्यसभा सांसद आलोक तिवारी, विधान परिषद सदस्य सनी यादव, चिंकू यादव, बासी नगर पालिका के चेयरमैन इंद्रिश पटवारी, चमन आरा रायनी, कमाल अहमद खान, विभा शुक्ला एवं समस्त सपा के पदाधिकारियों कार्यकर्तागण मौजूद रहे।